तो हे गाइस, व्हाट इज अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, एज यू नो, हम अपने सेटअप पे काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम चीज़ों को मंगवा रहे हैं। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको अनबॉक्स करके बताया था ये हेडफोन स्टैंड जिस पे अभी हमारा हेडफोन प्लेस है। एंड आज मैं आपके लिए एक माउस पैड लेके आया हूँ। दिस इज़ अ माउस पैड फ्रॉम रेड गियर MP35। एंड इसका जो साइज़ है वो है 350x250x4mm। एंड काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी गेमिंग लुकिंग माउस पैड है। सो मेरे सभी गेमरों भाइयों के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एंड काफ़ी सही प्राइस में आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए इसको अनबॉक्स किया जाए एंड बताया जाए कि कैसा है ये यूज़ करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अनबॉक्सिंग। वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक कर देना। एंड मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये जो आप अभी जहाँ पे मेरा ये हेडफोन टंगा हुआ दिख रहे हो ना, ये एक माइक स्टैंड है। बट इसको मैं एज ए माइक नहीं, एज ए टॉप व्यू रिकॉर्डिंग यूज़ करूँगा, जो आपको थोड़े दिनों में पता चल ही जाएगा। तो इस पर भी वीडियो आपको मिलेगी। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। आज हम दूसरे व्यू में नहीं जाएंगे, यहीं पे आपको सब कुछ बता देंगे, जस्ट बिकॉज इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, सिर्फ आपको ये माउस पैड ही देखने को मिलता है। ओ भाई, एक आपको रेड गियर का स्टिकर भी देखने को मिलता है। तो इसको हम देखेंगे, अगर कहीं यूज़ करना हुआ तो कुछ इस तरह से आपका ये माउस पैड है। ऊपर से इसका जो है वो सॉफ्ट फिनिश दिया गया है एंड काफ़ी सॉफ्ट एंड नरम सा किस्म का है। साइड पे आपको प्रॉपर थ्रेडिंग दी गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से आपको थ्रेडिंग दी गई है। नीचे इसका टेक्सचर्ड फिनिश देखने को मिलता है, जो भी स्लिपरी काइंड ऑफ है, बट ये थोड़ा टेक्सचर्ड मटेरियल है। ये आपके यू नो डेस्क के साथ अच्छी ग्रिप पाने के काम आएगा। तो हम इसको डेस्क पे रखेंगे यहाँ पे। एंड अब मैं आपको यहाँ पे क्लोज़र व्यू दिखाता हूँ कि हमारा माउस इसके ऊपर पड़ा हुआ कैसा लगेगा। सो कम क्लोज़र टू माय डेस्क। तो गाइज, ये है आपका रेड गियर का माउस पैड। एंड यहाँ पे आपको रेड गियर की ब्रांडिंग दी गई है, यहाँ पे आपको रेड गियर का लोगो दिया गया है, रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आता है। एंड इसकी जो डेस्क के अगेंस्ट ग्रिप है वो बहुत बढ़िया है, जस्ट बिकॉज जो मैंने आपको पहले बताया टेक्सचर मटेरियल आपको सिर्फ फ्रिक्शन प्रोवाइड करने के लिए दिया गया है। कॉर्नर्स की थ्रेडिंग काफ़ी बढ़िया है एंड ओवरऑल जो इसकी सॉफ्टनेस है एंड नरम नरम सा टॉप से फील होता है वो भी बहुत सही है। एंड अगर मैं आपको माउस यूज़ करके बताऊँ तो माउस जो है वो काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स भी करता है, आपको मेजर कोई चैलेंज नहीं आएगा। सो अगर फाइनल कंक्लूजन बताऊँ आपको एंड ओवरऑल क्वालिटी की बात करूँ, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है जिस प्राइस में आपको आता है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, तो आप अगर उस लिंक का यूज़ करोगे तो उस लिंक को यूज़ करने के बाद आपको चैनल को भी हेल्प हो जाएगी एंड डायरेक्टली आप सीधा प्रोडक्ट पे जा सकते हो। सो बस गाइस, यही बताना था आपको। आई होप आपको ये माउस पैड अच्छा लगा होगा। मेरे हिसाब से जिस प्राइस में ये आता है काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है एंड इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। सो आप जाइए सीधा इसको बाय कर सकते हो विदाउट एनी सेकेंडरी थॉट इन योर माइंड। एंड वीडियो अच्छी लगी होगी एंड ऐसी और छोटे छोटे गैजेट्स की हेल्पफुल वीडियो चाहते हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो बिकॉज वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। डिस्कॉर्ड सर्वर एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ, एक अच्छे कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।